गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज टॉपिक इज रिलायबिलिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वसनीयता की, क्या रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है और रिलायबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एजुकेशनल रिसर्च के बारे में, शैक्षिक अनुसंधान और मापन एवं मूल्यांकन में, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का बहुत यूज़ होता है। जब भी हम किसी नए टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं या किसी नए टूल का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर रिलायबिलिटी वैलिडिटी आपका मेजर एलिमेंट होता है। इनके बिना हम किसी भी टूल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलायबिलिटी की मीनिंग क्या है, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है टूल कंस्ट्रक्शन। तो टूल कंस्ट्रक्शन में भी आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी पढ़नी है, तो इसलिए हम पहले आपको रिलायबिलिटी के बारे में यहाँ पर क्लियर कराते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, इन एजुकेशनल रिसर्च एंड मेजरमेंट द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। जब हम शैक्षिक अनुसंधान और मापन एवं मूल्यांकन में रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक टेस्ट बनाया है, किसी एक हमको ग्रुप पर अप्लाई करना है। हमने एक टेस्ट बनाया है, वो हमको सेवेंथ क्लास के ग्रुप पर हमको अप्लाई करना है, तो उस टेस्ट को कितनी भी बार अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, उसके जो स्कोर हैं वो आपकी कंसिस्टेंस बने रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 50 नंबर का टेस्ट अप्लाई किया है, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम में अगर बच्चे 35 नंबर लाए हैं, 35 लाए हैं, तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो 35, 36, 37, तो एक रेट, एक वो एरिया होगा आपका 33 से 38 तक आपको वो कवर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा पहली बार में बच्चा वहाँ पर 35 अंक लेके आया और दूसरी बार में वहाँ पर वो 25 लेके आ रहा है या 49 लेके आ रहा है। तो जो स्कोर होंगे, बार बार हम टेस्ट को अप्लाई करेंगे, जो हमारे स्कोर होंगे वो कंसिस्टेंस रहेंगे, उनमें एक समान रूपता रहेगी, तो उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई टूल या टेस्ट बना रहे होते हैं तो हम वहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का यूज़ करते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी कितनी है, आपने जो टूल बनाया है उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी का मीनिंग है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टेस्ट बनाया था, आज अप्लाई किया, 15 दिन के बाद अप्लाई किया, 4 महीने के बाद अप्लाई किया, एक बार या बार बार किया जाए, डिफरेंट ग्रुप में भी या सेम ग्रुप में आपका, तो सेम रिज़ल्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, तो टेस्ट रिलायबल आपका होगा। अगर आपका रिज़ल्ट डिफर आ रहा है तो टेस्ट आपका रिलायबल नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। अब हम रिलायबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दुकान पर गए हैं, किसी डेयरी में आप गए हैं, वहाँ पर आपने 1 लीटर दूध लिया है, तो वो 1 लीटर दूध आपने उस डेयरी से लिया है, हम दूसरी डेयरी पे जाएंगे, उसी 1 लीटर दूध से, उसी लीटर से हम दूध नापेंगे, अब वो आपका 1.5 लीटर हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो क्या होगा, जिस लीटर से आपने दूध लिया था वो लीटर आपका रिलायबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक दुकान पे कपड़ा ख़रीदा 1 मीटर, नेक्स्ट दुकान पे जाते हैं, वो कपड़ा आपका 1.5 मीटर हो जा रहा है वहाँ पर, तो क्या होता है, उस दुकानदार का जो स्केल है वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल इसलिए नहीं है, 1 मीटर कपड़ा अगर इस दुकान पे है तो पूरे शहर में जितनी दुकान आप कहीं भी उसको मेज़र करेंगे तो कपड़ा आपका 1 मीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा कि 1 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टेस्ट क्वालिटी। इट हैज़ टू डू विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑफ द टेस्ट। स्कोर जो आपके आ रहे हैं होते हैं, जो टेस्ट आपने बनाया होता है उसमें समान रूपता रहती, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, जैसे 1 लीटर मिल्क की हमने बात की, आज गए 15 दिन बाद गए, हम 30 दिन के बाद गए, तो 1 लीटर दूध आपका 1 लीटर ही रहेगा, उस लीटर में कभी 5 लीटर दूध नहीं आ जाएगा 1 लीटर में। 30 दिन बाद भी हम रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, मीनिंग आपका यही है रिलायबिलिटी का, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, जो आपके स्कोर हैं वो एक समान रहेंगे आज, कल, परसों, 15 दिन बाद, 4 महीने बाद भी। ओके, अब हम बात करते हैं NST के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर
ऑब्टेन बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट ओकेजन और विद द डिफरेंट सेट ऑफ इक्विवेलेंट आइटम्स। एनएसटी के अकॉर्डिंग परीक्षण विश्वसनीयता विभिन्न अवसरों या समान पदों के विभिन्न विन्यासों में से एक ही संगति प्राप्त अंकों की ओर इंगित करती है। इस डेफिनेशन का भी कहने का मीनिंग यही है, आपने एक टेस्ट बनाया, आपने एक टूल बनाया, उसको एक इंडिविजुअल के ऊपर अगर हमने अप्लाई किया या किसी ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया, उस टेस्ट को हम दोबारा अप्लाई करेंगे तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट आपको पहले मिला। तो जो हमारा रिजल्ट पहले मिला वही रिजल्ट हमको 15 दिन बाद मिल रहा है, भाई एक महीने के बाद मिल रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, भाई कपड़ा वाला एग्जांपल आपका यहाँ पर है, एक क्लोथ लेंथ हैज़ बीन मेजर्ड एट 3 मीटर बाय स्केल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इज द स्केल नोट्स रिलायबल? इफ वी मेजर दैट क्लोथ्स लेंथ बाय एनी अदर स्केल एंड इट्स लेंथ कम टू 3 मीटर, देन वी कैन से that is the reliable. However, if the cloth measure 3 meter at one instance and 3.5 at another instance, then the scale cannot be called reliable. जो हमने कपड़े की बात की थी, क्लोथ की बात की थी, अगर एक दुकान पे 3 मीटर है तो दूसरी दुकान पर भी वो 3 मीटर ही होगा, अगर तो वो रिलायबल है स्केल आपका। अगर वो कपड़ा आपका, जो क्लोथ आपका दूसरी दुकान पर 3 मीटर नहीं हो रहा है तो हमारा स्केल रिलायबल नहीं होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलायबिलिटी की, कि रिलायबिलिटी के कितने टाइप्स हैं आपके, कितने टाइप्स की रिलायबिलिटी आपकी होती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली 4 टाइप ऑफ रिलायबिलिटी की, 4 प्रकार की हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की, ठीक है। यहाँ पर पहला जो आपका टाइप होगा उसको हम बोलेंगे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। दूसरा आपका पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, समान प्रारूप विधि या समान प्रारूप विश्वसनीयता। तीसरा है आपका स्प्लिट हाफ मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि। चौथा है आपका रीजनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी, तार्किक समरूपता विधि। जब हम बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की, परीक्षण और पुनः परीक्षण विश्वसनीयता की, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में हम क्या मेज़र करते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टेबिलिटी, कि हमारे जो स्कोर हैं वो कितने स्टेबल रहते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं वो कितनी स्टेबिलिटी रखते हैं वहाँ पर। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, हमने एक टेस्ट बनाया, सेम टेस्ट को हम दो बार एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, दो बार उसको अप्लाई करते हैं, तो करेंगे तो क्या होंगे, वहाँ पर जो स्कोर हैं वो आपको समान मिलेंगे। वो टेस्ट आपका जो बनाएंगे, सेम टेस्ट बनाएंगे आप, सेम ग्रुप पर अप्लाई करेंगे, आज करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, एक महीने के बाद करेंगे, या जब भी आप करेंगे, तो क्या करेंगे वहाँ पर आपको स्कोर बराबर मिलेंगे, स्कोर आपको इक्वल मिलेंगे। तो क्या होगा, उन स्कोर में स्टेबिलिटी बनी है, वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को मेज़र करते हैं, स्कोर को कोरिलेट करते हैं, स्कोर का कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन अगर आपका हायर आता है, वहाँ पर दो स्कोर हैं दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपकी रिलायबिलिटी है बहुत ज़्यादा वैलिड है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है, वो हाई रिलायबिलिटी है आपकी। और अगर आपका कम आता है तो क्या होता है, वो टेस्ट थोड़ा रिलायबल कम है। अगर हम जैसे हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड की बात करते हैं, जब हम एक हमने टेस्ट बनाया, हमने एक आज अप्लाई किया और हम एक 6 महीने के बाद करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर जो रिजल्ट हैं आपका उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि उसमें बच्चों को जो हम एक बार कराए होते हैं उनका मेंटल लेवल भी थोड़ा डेवलप हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाती है, उनके स्किल भी डेवलप हो जाता है, तो वो आपके जो स्कोर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट रीटेस्ट की बात करते हैं, अगर हम 15 दिन में कर लेते हैं, हम एक महीने में कर लेते हैं, तो हमको जो स्कोर प्राप्त होते हैं वो हमको रियल में रिलायबल होते हैं, कंसिस्टेंस आपके होते हैं और कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहती है। तो इसका मेन क्या स्वरूप है टेस्ट रीटेस्ट मेथड का, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। एक परीक्षण को एक समूह पर दो बार देखकर उनसे सहसंबंध ज्ञात करते हैं, सहसंबंध अगर आपका पॉजिटिव होता है तो रिलायबल आपका वहाँ पर होता है, ठीक है। जब टेस्ट रीटेस्ट मेथड की हम बात करेंगे, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की भी हम बात आगे करेंगे, स्प्लिट हाफ मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि की हम बात कर लेंगे आगे, और रीजनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी की भी बात हम करते हैं।
टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, परीक्षण पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता। इन द टेस्ट रीटेस्ट मेथड ए टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए डेफिनेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स। आफ्टर सम टाइम द टेस्ट इज वंस अगेन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द ग्रुप। इसमें क्या होता है, हमने जो हमको एक टेस्ट हम बनाए होते हैं, टेस्ट हमने बनाया होता है, जो टूल हमने बनाया होता है, हम उसको एक निश्चित ग्रुप पर, डेफिनेट ग्रुप पर या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद हम उस टूल को दोबारा अप्लाई करते हैं। वो टाइम आपका 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, जो भी टाइम आपने वहाँ पर डिसाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस, पहले हमको स्कोर मिलेंगे, हमने पहले अप्लाई किया होता है तो क्या होगा, हमको पहले स्कोर मिलेंगे। हमने जब 15 दिन बाद उस टेस्ट को अप्लाई किया तो हमको फिर से वहाँ पर स्कोर मिलेंगे। उन दोनों स्कोर का हम कोरिलेशन निकालेंगे, कोरिलेशन निकालने के बाद हम वहाँ पर देखेंगे कि हमारा कितना हायर कोरिलेशन वहाँ पर हमको मिला है। जब हम बात करते हैं विश्वसनीयता की, ये विधि सबसे सुगम व सरल विधि है, सबसे ईजिएस्ट मेथड है आपका। इस विधि में एक न्यायाधीश का चयन करके ये परीक्षण किया जाता है। जब हम टेस्ट बनाते हैं तो हम एक सैम्पलिंग को चूज़ कर लेते हैं, सैम्पल हमारा टारगेट एरिया होता है जिसका हमको जानना होता है, क्या अचीवमेंट लेवल जानना है। अगर आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया है, अगर आपने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है, अगर हमने पर्सनालिटी एसेस करना है आपको, आप जिस एरिया का टेस्ट बनाएंगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन या टारगेट सैम्पलिंग वहाँ पर होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यायाधीश। कुछ समय उपरांत उसी न्यायाधीश को वही परीक्षण दिया जाए, कुछ समय के बाद जो टाइम बता दें 15 दिन बाद 30 दिन बाद उसी टेस्ट को दोबारा अप्लाई किया जाता है। इस प्रकार न्यायाधीश या सैम्पलिंग या आपका जो टारगेट ग्रुप था के 2 प्राप्तांक आपको मिल जाते हैं, 2 स्कोर आपको मिल जाते हैं। उन दोनों स्कोर को हम स्टैटिक्स के द्वारा उनकी कोरिलेशन की गणना करते हैं। इसी सहसंबंध गुणांक को या गुणक को विश्वसनीयता गुणक या कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी हम कहते हैं। ठीक है, सबसे सरल व सबसे सुगम, जब 2 प्राप्तांक आपको मिल जाते हैं, 2 स्कोर आपको मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम दोनों का कोरिलेशन निकाल लेते हैं और सहसंबंध गुणांक को विश्वसनीयता गुणांक भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, सबसे इजी मेथड है आपका, बट यहाँ पर जो हम टेस्ट अपना बनाएंगे तो हमको टाइम का वहाँ पर ध्यान देना है कि 10, 15, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बाद आप करेंगे तो आपके जो स्कोर हैं वो थोड़ा उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, थोड़ा अंतर आ जाएगा, तो आपका टेस्ट थोड़ा रिलायबल कम होगा वहाँ पर। लिमिटेशंस की हम बात करते हैं तो इसमें यह होता है, जैसे हमने एक बार टेस्ट अप्लाई किया, हम दोबारा टेस्ट फिर अप्लाई कर रहे हैं उसी सेम ग्रुप पर, तो क्या होता है, उन लोगों की मेमोरी में कुछ क्वेश्चन सेव रहते हैं, आइटम सेव रहते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, उनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाती है थोड़ी, और उनके अंदर स्किल भी डेवलप हो जाता है जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करता है वहाँ पर। टाइम वेस्ट होता है आपका। पुनः परीक्षण में जो स्टूडेंट्स आपके होते हैं, जो आपके टारगेट ग्रुप होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, समान प्रारूप प्रविधि या विधि। इस विश्वसनीयता में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, यहाँ पर हम जो मेज़र करते हैं इक्विवेलेंस को, कि 2 समानता परीक्षणों की रचना की जाती है यहाँ पर, जो टेस्ट का को फ्रेम किया जाता है यहाँ पर, एक समूह को दोनों परीक्षण दिए जाते हैं, उनमें हम सहसंबंध यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अंडर दिस मेथड ए टेस्ट इज कंस्ट्रक्ट इन 2 पैरेलल फॉर्म। द क्वेश्चंस इन दीज 2 पैरेलल टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे आर इक्वल फ्रॉम ऑल अदर व्यूज। जब हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी की बात करते हैं, समान प्रारूप विधि की बात करते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस को यहाँ पर हम मेज़र करते हैं, रिजल्ट के कंसिस्टेंसी को हम मेज़र करते हैं यहाँ पर। टेस्ट को 2 रूप में बनाया जाता है, लेकिन टेस्ट 2 रूप में बनाया जाता है, जो उसके आइटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उनके डोमेन सेम होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है, आइटम नंबर इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले में हमने 10 बनाए हैं तो दूसरे में भी हम 10 बनाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी आपका सेम होगा और जो कंटेंट होगा कंटेंट भी हमारा सेम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत 2 समानांतर परीक्षणों की रचना की जाती है, एक ही प्रकरण पर 1-2 परीक्षण समान पदों की संख्या
तथा समान परीक्षण देने का समय रखा जाता है। पदों की विशेषताओं में समरूपता रखने का प्रयास किया जाता है। जो आप पद बनाते हैं, जो आप आइटम्स बनाते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, वो हम वहाँ पर कोशिश करते हैं उनका जो क्वेश्चन हम पहले वाले में बनाए होते हैं उनका मीनिंग, उनका जो नेचर ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल और जो कंटेंट है उसी के ऊपर बेस्ड हो। इन दोनों परीक्षणों को हम एक ही ग्रुप पर अप्लाई करते हैं और एक ही दिन किया जाता है। दोनों परीक्षणों के प्राप्तांकों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं, गुणक ज्ञात करते हैं। इसे हम तुल्यता गुणक भी कहते हैं, इक्विवेलेंस भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस और पैरेलल फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म भी, हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमने जो हमारा टेस्ट री टेस्ट में था, प्रैक्टिस होती है, मैच्योरिटी होती है और स्किल होती है, ये जो फैक्टर है हमारे यहाँ पर रिलायबिलिटी को प्रभावित ना कर सकें, इसलिए हम जो टेस्ट होता है उसके फॉर्मेट, उसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं। मीनिंग वही रहता है लेकिन आइटम चेंज होते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल सेम होता है, बहुत चीज़ें सेम होती हैं। एज जो टेस्ट हमने पहले बनाया तो सेम उसकी दूसरी कॉपी हम यहाँ पर बना देते हैं। दोनों परीक्षण सेम पॉपुलेशन पर ही और एक ही दिन में हम करते हैं। दोनों के जो गुणांक हमको प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम रिलायबिलिटी को यहाँ पर जानते हैं। अजम्पशन क्या है यहाँ पर, दोनों जो टेस्ट हैं आपके, जो कंटेंट हैं आपके, डिफ़िकल्टी लेवल्स हैं आपके, डिस्क्रिमिनेशन पावर हैं आपकी, दोनों इक्वल होते हैं और एक ही दिन हम इनको करते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है इसमें आपका, टेस्ट रीटेस्ट के मेथड में जो कमियां थी उसके इम्प्रूवमेंट के फलस्वरूप इसको बनाया गया, इसको आगे लाया गया। दोनों टेस्ट जो होते हैं आपके वो सेम पॉपुलेशन पर ही अप्लाई होते हैं। डिलिमिटेशन क्या है, दो टेस्ट सेम तरीके से बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, समय धन मनी का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसमें फेस करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक टेस्ट बनाया है इंटेलिजेंस के लिए, हम वहाँ पर बच्चे का आईक्यू लेवल जानना चाहते हैं, उसी तरह हमको दूसरा क्वेश्चन सेम बनाना है, आइटम्स आपके चेंज हो बट आईक्यू वो भी जाने, तो थोड़ी हमको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होगी और बनाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि। स्प्लिट हाफ टेस्टिंग मेजर रिलायबिलिटी इन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ए टेस्ट फॉर ए सिंगल नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट एंड देन बोथ पार्ट्स गिवन टू वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, द स्कोर्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द टेस्ट आर कोरिलेटेड। अब इसमें आपका स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है, एक टेस्ट को हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमने जो एक टेस्ट बनाया है उसमें मान लो कि 30 आइटम्स हैं आपके, 30 क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, टू पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे 15-15। ठीक है, और उन टेस्ट को हम जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट जो हमारी सैम्पलिंग है, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। जब हम टेस्ट को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 30 क्वेश्चंस है तो आपने 15 ऊपर 15 नीचे दो ग्रुप में डिवाइड हो गए आपके, वहाँ पर आप अगर 15-15 ना करके इवन ओड वाला करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका इंटरनल रिलायबिलिटी को हम यहाँ पर देखते हैं। आइटम्स के अंतर्गत जो आइटम्स हम बनाए होते हैं वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा आपके रिलायबल हैं। तो स्प्लिट हाफ जो हमारी रिलायबिलिटी होती है उसमें हम स्टेबिलिटी के साथ साथ में इक्विवेलेंस को भी मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक परीक्षण को हम या एक टेस्ट को एक समूह पर एक बार ही हम अप्लाई करते हैं बट उनको दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं, चाहे वो आपका इवन ओड हो या आपका वो आपका हाफ हाफ वहाँ पर हो, उसके द्वारा हम फिर स्पीयर ब्राउन के फार्मूला के द्वारा वहाँ पर हम रिलायबिलिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट हाफ जो आपकी रिलायबिलिटी है इसमें क्या होता है, इस विधि में परीक्षण को न्यायदर्श के परीक्षार्थियों पर एक ही बार दिया जाता है और एक बार के प्राप्तांकों का विश्लेषण करके विश्वसनीयता गुणक ज्ञात किया जाता है। इस विधि में परीक्षण को दो समान भागों में विभाजित करते हैं, जैसे इवन समक्रम संख्याओं के और विषम क्रम ओड, तो इस तरह से हम टेस्ट को डिवाइड
करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्प्लिट हाफ जो आपका मेथड था यहाँ पर, जो आपके दो ऊपर के से पहले के दो मेथड थे, टेस्ट रीटेस्ट और आपका पैरेलल फॉर्म, उन दोनों में जो कमियाँ थी उन कमियों को दूर करने के लिए इस मेथड को आगे लाया गया। कोफिशियंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस को यहाँ पर हम मेज़र करते हैं, इवन ओड के फॉर्म में हम आपको टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं और बाकी हम हाफ हाफ को भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 आइटम्स का टेस्ट आपने बनाया है, 25 25 25 25 के चार पार्ट हैं आपके, तो पहले आपने 100 वाला और पहले स्टार्ट वाला और लास्ट वाला आपने साथ में ले लिया, बीच वाले आपने, तो आप किसी भी टाइप से यहाँ पर अपने आइटम्स को डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका इक्वल रहता है दोनों, अगर हम इक्वल नहीं रखेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो वहाँ पर प्रभावित होगा, हमारी इस कोर्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोनों खंडों का विभाजन हम इस प्रकार करते हैं, दोनों पार्ट को हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। अगर वो समान नहीं रहेंगे क्वेश्चन आइटम तो आपका जो स्कोर है उनमें स्टेबल नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी को प्रभावित कर देंगे, और हम इसको सेम टाइम अप्लाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब टेस्ट को हम डिवाइड करेंगे तो डिफ़िकल्टी जो हमारी डिफ़िकल्टी लेवल में प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को हमको दूर करना वहाँ पर होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी, तार्किक समरूपता विधि, कूडर रिचर्डसन प्रेजेंटेड ए मेथड टू असर्टेन रिलायबिलिटी विच इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस और KR फार्मूला। इस सांख्यिकी विधियों एवं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसके द्वारा जो आपके आइटम्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपस में रिलेशन देखा जाता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पर देखते हैं, एक आइटम दूसरे आइटम से किस प्रकार से कनेक्टेड है। इस विधि में पदों की चरिता का योग का मापन किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं। यहाँ पर कूडर रिचर्डसन दो आपके रिसर्चर हैं, दो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सूत्रों के द्वारा इन्होंने फार्मूलाज दिए हैं अपने, इनको हम KR20 KR21 कहते हैं, जिसके द्वारा सांख्यिकीय जो आपको स्कोर प्राप्त होंगे उनके द्वारा हमको यहाँ पर रिलायबिलिटी निकालना होती है, ठीक है। कूडर रिचर्डसन थे, इन्होंने जो पहले की आपके तीन हैं, आपके टेस्ट रीटेस्ट, आपके इक्वल पैरेलल फॉर्म है, आपका स्प्लिट हाफ मेथड है, और इनमें जो कमियां थी, जो उनकी लिमिटेशंस थी, उनको दूर करने का प्रयास किया था, और यहाँ पर आपके जो रेशनल इक्विवेलेंस मेथड है आपका, जिसको हम बोलते हैं डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर समान होते हैं, समान होती है, पद की जो आपके आइटम्स होते हैं वो आपके एक टाइप्स के होते हैं, परीक्षार्थी के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हम बनाते हैं यहाँ पर जो हम आइटम बनाते हैं वो जो हमारी जो हमारा सैंपल साइज होता है जिसके ऊपर हमको वो टेस्ट अप्लाई करना होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो टेस्ट हमने जो बनाया होता है अगर उस पॉपुलेशन को समझ आता है तो क्या होता है, वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी है उनके लिए, अगर वो समझ नहीं आता है तो वही टेस्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर पद समान होते हुए भी ज़रूरी नहीं है आपके कि आपके जो आंसर हैं, आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर आए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है, इसकी स्प्लिट हाफ मेथड में जो प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर आगे उनको दूर करने का प्रयास किया गया है, इम्प्रूवमेंट है आपका स्प्लिट हाफ मेथड का ही, और ये बहुत ज़्यादा आपका इकोनॉमिकल है। यहाँ पर जो हम आइटम्स बनाते हैं सब आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल आपका सेम रहता है, लेकिन बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ पर कितना समझ आ रहा होता है, अगर आपको आ रहा है तो बहुत ईजी है, नहीं समझ आ रहा तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, ओके। तो रिलायबिलिटी में बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे जो आपका दूसरा मेजर टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं वैलिडिटी, वैधता। वैधता क्या है, हमको आगे टूल पढ़ना है, टूल कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, आपके टॉपिक में है, तो किस तरह से हम टूल को बनाएंगे, कैसे टूल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको रिलायबिलिटी वैलिडिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कहीं पर कोई भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।